Hello students, this is a chapter 17, United Nations. Later we have studied about the formation of the United Nations and the bodies of the UN. Now let's study something about special agencies of the UN, which works with them. So let's start. Special agencies of the UN. In this section, we will study about the special agencies which works for them. So the UN also has some special agencies where it employs experts from the various fields of life in order to help its members nations. Some of them are listed below. अब जो UN के लिए जो है कुछ ऐसी agencies हैं जो work करती हैं where it employs experts, जहाँ पर कि जो experts बैठे होते हैं and they work from the various fields of life, वो अलग अलग field से उनके life से मतलब work करते हैं to help its members nations. Some of them are listed below. उसके लिए हम आपको कुछ अभी आपको दिखाएंगे. उसके लिए आप देखिए नीचे इसमें कुछ दिया हुआ है. That is, let's start. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, जो कि UNESCO की फुल फॉर्म है हमारी ये. Encourages cooperation amongst countries. ये इसके अंदर ये है कि countries के अंदर आपस में cooperation के बारे में दर्शाता है. And enables the exchange of information इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन. यूनेस्को जो है एंकरेज करता है कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज एंड इनेबल्स द फील्ड्स इनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन इन विच इट फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन विच इट वर्क्स फॉर ऑल दीज थिंग्स इन दिस सेक्शन. यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ, डिफेंस promotes and protects children's rights. हमारा जो United Nations Children's Fund है वो हमारा work करता है, protect करता है children's के rights को, कि उनको right to education है, जैसे उनको right to education मतलब education provide हो, food वगैरह इनको time पे मिलना चाहिए, nutrition इनको proper मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान जो है United Nations रखता है, जो कि इनका जो fund है that it works for them. See, this is the image of UNICEF office in Spain. It's a very clear image which you can see it over here. World Health Organization, WHO. It manages international health work and conducts research on the cure, prevention and elimination of the diseases. अब WHO work करता है सभी के health के बारे में. WHO manages the international health work and conducts research. मतलब WHO manage करता है कि सभी पूरे international का health work और जो रिसर्चेज है मतलब उसको बिल्कुल क्योर कर सके. अगर कोई ऐसी कोई डिजीज़ आ जाती है हमारे कहीं पर भी तो उसको उससे प्रिवेंट करना, उसको उस डिज़ीज़ को ख़त्म करने का काम WHO करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लें, अभी आजकल देख रहे हैं आप कोविड का चल रहा है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों पे जो वर्क है, जो सब उसको इस डिज़ीज़ को एलिमिनेट करने का काम जो है वो सबसे बड़ा काम जो है WHO के हाथों में है, और यही करते हैं इस चीज़ को, इसका प्रिवेंट करना कैसे बचाया जा सकता है. ऐसे एक पहले एक इबोला डिजीज़ का भी नाम आया था जिससे कि आपने सुना भी होगा, बहुत सारी जिसपे बहुत ही लोग परेशान हुए थे और बहुत सारे कैजुअल्टीज़ भी हुई थी उस टाइम पे. सो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए WHO उस पर उसका ध्यान रखता है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टू एलिमिनेट हंगर एंड माल न्यूट्रिशन एंड रेज टू द लेवल्स ऑफ द न्यूट्रिशन. फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो जैसे हंगर वगैरह की चीज़ें, हंगर जैसे भूखमरी वगैरह जो होती है उसको ख़त्म करे, लोगों के खाना ठीक से प्रोवाइड कराए, माल न्यूट्रिशन उसका ध्यान रखे कि उनको पूरे विटामिन मिनरल्स सब कुछ मिल रहे हों. ऐसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका काम है जो ह्यूमन राइट्स फॉर वर्कर्स हैं वो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जैसे उनके जो राइट्स है उसका पूरा ध्यान इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन रखती है, और उनके कंडीशंस एंड और ज़्यादा उनके लिए जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कराने के लिए भी उनका भी उस चीज़ का ध्यान भी ILO रखता है. इंडिया रिलेशन विद द UN. अब इंडिया का हमारा रिलेशन कैसा है UN से, दैट इज़ इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ द UN ऑन 30 अक्टूबर 1945. यानी 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया जो है UN का मेंबर बन गया था. एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स इंडिया स्ट्रांगली सपोर्ट्स द पर्पसेस एंड प्रोग्राम ऑफ द UN. एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स यानी कि इसका एक फाउंडिंग मेंबर्स होने के नाते
इंडिया जो है इनके जो भी पर्पसेस हैं जैसे कि पीस को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों में इंडिया का सबसे बड़ा हाथ है और इंडिया हर जगह पर इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करता है कि हर जगह पर शांति बनी रहे और अपने जिससे कि वो अपने ट्रूप्स वगैरह को वहाँ पर सेंड करके रीएनफोर्समेंट सेंड करके रिलीफ ऑपरेशंस वगैरह में सब में जो है अपना साथ देता है हमारा इंडिया। जैसे कि कोई कहीं बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाए या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिससे ऐसी कोई काउंटीज़ वगैरह हों तो उसमें भी जो इंडिया है वो पूरा अपना योगदान देता है। इन एडिशन टू ऑल दिस इंडिया इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द यूएन रेगुलर बजट। और जो हमारा इसी के साथ साथ हमारा जो इंडिया है यूएन रेगुलर बजट में भी पूरा का पूरा सहयोग देता है। इंडिया इज़ करंटली सीकिंग परमानेंट मेंबरशिप, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स। यानी यूएन का रेगुलर बजट के हिसाब से इंडिया करंटली सीकिंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 7 टर्म्स। हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर्स यानी कि वो एक जो हमारा है इंडिया जो है करंटली जो है चाह रहे हैं कि वो एक परमानेंट मेंबर्स के रूप में भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ में आ जाए और उनके साथ में हमेशा जुड़ा रहे, जो कि 7 टर्म्स यानी 7 टाइम ऐसा वो अभी तक उनके साथ में जुड़ा हुआ है। सो दिस वॉज द सेक्शन ऑफ योर चैप्टर, नाउ इट्स बीन कम्प्लीटेड हियर। सो बाय बाय, टेक केयर।